हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने सिलेबस जो है वो कम कर दिया है कोरोना की वजह से, तो ना हम स्कूल जा पा रहे हैं ना हम घर पे पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री थे उन्होंने क्या करा है, जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। तो आज हम जानेंगे कि जो साइंस वाले जो बच्चे हैं 12th क्लास के, तो उनमें कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो रिमूव हुए हैं या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। तो जैसे हम बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर चैप्टर वन की पहले, तो चैप्टर वन हमारा सॉलिड स्टेट है। इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर्स, एन टाइप, पी टाइप कंडक्टर्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर वन से रिमूव हुए हैं। अब हम चैप्टर टू पर पढ़ते हैं, तो चैप्टर टू में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं? अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये हमारे रिमूव हुए हैं। फिर हम चैप्टर थ्री पे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन्स, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे हट गए हैं। फिर इसके बाद चैप्टर फोर की बात करें, तो चैप्टर फोर में हमारा इमल्शन हटा है, उसके टाइप्स, कैटालिसिस, होमोजीनियस हाइड्रोजीनियस एक्टिविटीज़ एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम्स कैटलिस्ट। तो हमारे ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ टॉपिक्स हट गए हैं। फिर इसके बाद हम चैप्टर फाइव पे आते हैं, तो चैप्टर फाइव जो है चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एंटायर यूनिट, इट मीन्स ये पूरा चैप्टर ही रिमूव हो गया है, इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है। फिर इसके बाद चैप्टर सिक्स पे आते हैं, तो चैप्टर सिक्स जो है ये हमारे क्या, इसमें हमारे टॉपिक्स कौन कौन से रिमूव हुए हैं? प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन, H2SO4, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का हो गया, फॉस्फोरस का हो गया, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हो गए, कंपाउंड हो गए फॉस्फोरस के, प्रिपरेशंस हो गए हैलाइड्स और ऑक्सो एसिड्स के। तो ये जो टॉपिक्स हमारे पी ब्लॉक से हट गए हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पे। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में हमारा कौन सा टॉपिक हटा है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड हो गया, एक्टिनॉइड्स हो गए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपेरिजन्स विद लेंथेनॉइड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे हट गए हैं। फिर इसके बाद हम चैप्टर एट पे आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमारे कौन से टॉपिक्स हटे हैं? कॉन्सेप्ट कोलिजन, कोलिजन थ्योरी हो गया, फिर इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, अरहेनियस इक्वेशन, ये हमारे टॉपिक्स हटे हैं। फिर हम चैप्टर नाइन पे आते हैं, तो चैप्टर नाइन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें हमारे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स हटे हैं, और इम्पोर्टेंस जो होती है मेटल्स की वो हट गई है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो होता है ना वो हट गया। फिर इसके बाद हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आते हैं, तो इसमें हमारे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्रा, इन सब के यूजेस हट गए हैं, और आयोडोफॉर्म क्या होते हैं, DDT क्या होते हैं, फेरोन्स क्या होते हैं, तो ये चीज़ें हट चुकी हैं। फिर इसके बाद हम चैप्टर 11 पे आते हैं, तो चैप्टर 11 में हमारे यूजेस जो है मिथेनॉल और इथेनॉल के ये हट गए हैं, और चैप्टर 12 जो है ये हमें पूरा पढ़ना है, इस चैप्टर में हमारा कुछ भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। फिर चैप्टर 13 जो है हमारा एमाइंस, इसमें हमारे डाइजोनियम सॉल्ट जो हो गए, इनके प्रिपरेशंस हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गए, इनके इम्पोर्टेंस हो गए, तो ये हट चुके हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स में हमारे ऑलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स हो गए, फिर इम्पोर्टेंस कार्बोहाइड्रेट्स के, विटामिन्स के, क्लासिफिकेशंस, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हट गई हैं। फिर इसके बाद चैप्टर 15 और 16 जो है ये पूरे पूरे चैप्टर हटे हैं, मतलब कि इनमें हमें कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक मी वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।